मोहम्मद साहब, ये आपको क्यों लग रहा है कि जो भी आज कार्यक्रम हो रहा है वो दिखावटी है, सालाना जलसा है? तो देश का हित नहीं चाहती है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया ना, कितना बता दो जो आजादी। अब रुकिए, अब रुकिए, आप दोनों रुकिए, बस वक्त कम है, वक्त कम है, प्लीज। हाँ पूजा जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष या विपक्ष का ये कहना था कि राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता के संवैधानिक पद पे हैं, और ऐसा भी नहीं कि विपक्ष के 240 के आसपास संख्या विपक्ष की भी है, तो एक आदमी को बोलने का मौका तो संविधान दिवस के अवसर पर देना चाहिए था। ठीक है, प्रधानमंत्री बोलने, राष्ट्रपति बोलने, उपराष्ट्रपति बोलने, स्पीकर बोलने, क्या विपक्ष का नेता भी तो संवैधानिक पद पे ही है? वो भी तो प्रधानमंत्री के बाद वही तो माना जाता है, तो ये मौका देना चाहिए था। इसका मतलब सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, ये भी संविधान का कहीं ना कहीं घोर उल्लंघन है। लोकतंत्र में ये माना जाता है कि संविधान लोकतंत्र में ये विपक्ष को हक देता है कि वो अपनी बात रखे और लोकतंत्र। अरे जो शेड्यूल आया है उसमें राष्ट्रपति का संबोधन है, उपराष्ट्रपति का संबोधन है, स्पीकर का संबोधन है, प्रधानमंत्री का भी संबोधन नहीं है। आप तो विपक्ष की बात कर रहे हैं। नहीं तो होना चाहिए था ना, क्यों नहीं होना चाहिए? जब विपक्ष के नेता, इसका मतलब विपक्ष की आवाज आप सुनना नहीं चाहते हैं। और संविधान में हमेशा ये कहा गया है, जो बार बार अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे, आखिर सामाजिक अन्याय जो दलितों पिछड़ों के साथ हुआ वो किसने किया? वो आरएसएस की सोच ने ही तो किया था, आरएसएस के ही लोग तो है। आज दलित और पिछड़ा जो सामाजिक अन्याय हुआ, क्यों पिछड़ा है, क्यों नहीं वो सौड़ों के साथ बैठ उठ सका, इसकी क्या वजह थी? वो मनुस्मृति तो है, वर्ण व्यवस्था ही तो है। अगर वर्ण व्यवस्था न होती तो आज दलित दलित न होता, पिछड़ा पिछड़ा न होता, सब एक साथ बैठ उठ रहे होते। बाबा साहब भीम अम्बेडकर राव की बात कर रहे थे अभी, जिनको खुद बचपन में कुएं में पानी पीने का मौका नहीं मिलता था, मंदिर नहीं जा सकते थे, वो कौन सी सोच थी? वो वही मनुस्मृति की सोच थी ना, उसी को तो बदलना चाहते थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इसीलिए तो उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्या जवाब है इनके पास? उन्होंने क्यों बौद्ध धर्म अपना लिया था?